हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को घुमाने लाई हूँ नैशविल का एक बहुत ही बड़ा पब्लिक लाइब्रेरी। और पहले मैं यहाँ का विजुअल्स आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ का विजुअल कितना ही अच्छा है। आप आओगे तो आपको बिल्कुल भी आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छे तरीके से मेंटेनेंस किया गया है यहाँ का। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ दिखा देती हूँ ये कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर समर्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब चारों तरफ इतना ही ग्रीन दिखता है, क्योंकि यूएस में बहुत अच्छे से ग्रीनरी को मेंटेन किया जाता है। तो आप कहीं भी देखिए आपको अच्छा ही लगेगा देखने में। तो हम लोग अब लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप अमेरिकन फ्लैग। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ का पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा से प्रॉपर स्पेस दिया गया है पार्किंग करने के लिए। इसकी सुंदरता तो देखने को बनती है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चल रही है यहाँ पे, आप कहीं भी फ्लावर्स लगाइए तो ऐसे नहीं प्लग करता है। यहाँ पे आप जो भी बुक्स लेते हैं आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो कोट लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। अच्छा तो ये लिखा था, सही लिखा है। ये जो आप टावर देख रहे हैं ये WSM टावर है, ये US का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रॉडकास्टिंग टावर है। इस टावर को 1932 में बनाया गया था, की हाइट 878 फीट की है और ये अभी भी ऑपरेटिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट टावर है। यहाँ पे साइकिल पार्किंग भी दिया गया है, ये देखिए। इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पे। हैंडीकैप्स के लिए भी स्पेशल पार्किंग दी गई है, ये देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे लाइब्रेरी के अंदर, हम जाते हैं और वहां से आपको अंदर का भी व्यू दिखाएंगे कि यहाँ का इंटीरियर, यहाँ की लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी में स्पेशली कितना अच्छा किया हुआ रहता है। तो हमने लाइब्रेरी एडमिन से स्पेशल परमिशन लिया है ताकि मैं अंदर का वीडियो शूट कर पाऊँ, लेकिन हाँ हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए बना रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी को दो एरियाज में डिवाइड किया गया है, एक बच्चों के लिए बनाया गया है और एक बड़े लोगों के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन लाइब्रेरी की ओर चलेंगे और मैं दिखाऊंगी कि वहाँ का इंटीरियर कितने प्यारे तरीके से किया गया है ताकि बच्चों को वहाँ पढ़ाई करने में बहुत ही मज़ा आए। तो
किड्स सेक्शन में एंट्री करते के साथ ही यहाँ पर बहुत सारी 3D पेंटिंग्स लगाई हुई है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ये तो अब इस सेक्शन में हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते के साथ ही आप देखिए यहाँ पे 3D पेंटिंग्स लगाई गई है, तो ये कितना अच्छा व्यू दे रहा है। और इसके साथ ही एक आर्टिफिशियल ट्री लगाया हुआ है, और इसमें जब भी इस एरिया में आप पैर रखोगे तो इस पे ये जो ऑल रखा गया है तो ये बोलता है। ये बड़ा मज़ेदार लगा मुझे। मैं अब आपको इंटीरियर दिखाती हूँ यहाँ का। ये देख के कितना क्यूट बनाया गया है इसे, बच्चों को क्या ये तो बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ के हर एक वॉल पे इंटरेस्टिंग 3D पेंटिंग्स की गई है जो यहाँ के एम्बियंस को और भी प्यारा बनाता है। यहाँ पे बच्चों के लिए हर तरह की बुक्स अवेलेबल है, चाहे वो स्टोरी की हो, वो राइम्स के लिए हो, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए बुक हो, कोई साइंस से रिलेटेड बुक हो या एकेडमिक्स की, तो यहाँ पे अपने बच्चों का आप आराम से लेके आ सकते हैं। यह बच्चों के बैठने के लिए डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है, ये आप देखिए। यहाँ पे स्टोरी रूम और क्राफ्ट्स रूम भी है। अभी तो फिलहाल ये क्लोज करके रखा हुआ है, लेकिन जब ये ओपन रहता है तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी हमें एक पेंटिंग के थ्रू या किसी स्कल्पचर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्राफ्ट्स रूम में डिफरेंट आइडियाज, शेप एंड साइज की चीज़ें रखी रहती है, जिससे बच्चों को ये आइडिया हो सके कि ये सारे डिफरेंट शेप्स कैसे होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। यहाँ का पूरा एम्बियंस बच्चों के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे स्मॉल स्कल्पचर्स रखे गए हैं एनिमल्स के। चलते हैं यहाँ के दूसरे सेक्शन में और यहाँ के बारे में भी आपको बताते हैं। यहाँ का भी इंटीरियर ऐसा किया गया है ताकि यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को ये अच्छा लगे। अगर यंग लोग हैं तो उन्हें भी अच्छा लगे, और अगर ओल्ड एज के लोग हैं तो उन्हें भी यहाँ पे पढ़ाई करने में अच्छा लगे। यहाँ का इंटीरियर देखने के बाद हम बाहर चलते हैं।
तो हम लोग लाइब्रेरी के बैक साइड में है, छोटा सा ट्रेल बना हुआ, तो इसके पीछे भी एक प्यारा सा गार्डन में आपको अच्छा लगेगा देखने। यहाँ पे लोग यूजुअली, मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, लोग तो प्रॉपरली यहाँ वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो मैं यहाँ के ट्रेल्स दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखते हुए स्टोरी बुक वॉक तैयार किया गया है। इसमें छोटी छोटी स्टोरी पिक्चर्स के थ्रू दिखाई गई है, जिससे बच्चों का यहाँ पे वॉक करने में मन लग जाए। ये सारी स्टोरीज गार्डनिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि कैसे किसी प्लांट को लगाया जाता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ के ट्रेल को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ बैठने के लिए ये एरिया भी दिया गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़